के हम नहीं होते, क्योंकि
जो अपने आप को इंसान कहलवा रहा है, काश कि वो अगर समझता होता कि हुज्जत किसको कहते हैं, तो खुदा की कसम अपने आप को हुज्जतुल इस्लाम नहीं कहलवाता। तो चुनाचे फिर एक कौल मासूम ये मिला कि मासूम कह रहे हैं वो अकीदा इख्तियार मत करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो पता चला अकीदा वही होना चाहिए जिसका इल्म है। फिर एक और कौल मासूम मिला कि इल्म बस वही है जो हमारे दर से निकले। बात वाजे हो रही है, खादिम क्या मारूदा करने जा रहा है और फरमाए। और फिर कौल मासूम मिला ये पैगम्बर इस्लाम का हलाल क़यामत तक हलाल, पैगम्बर इस्लाम का हराम क़यामत तक हराम। इस हलाल पैगम्बर इस्लाम को कोई हराम नहीं कर सकता, कोई हराम पैगम्बर इस्लाम को हलाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये नबी का काम है, पैगम्बर इस्लाम का काम है। जैसे कि जो नमाजें अव्वल अव्वल हम पर वाजिब की गई थी वो 17 रकत नहीं थी, 17 रकत से ज़ायद थी, मगर पैगम्बर इस्लाम ने खुदावंद आलम से इल्तिजा की, बारे इलाहा मेरी उम्मत के लिए इतनी रकतें बार गुजरेंगी, इसमें कुछ कमी। तो चुनाचे कमी होते होते एक मंजिल ऐसी आई 17 रकत, 17 रकत नमाजें, यानी जो हुज्जतुल इस्लाम है, जो अखले कुल है, वो अपनी मर्जी से नमाजों में कमी नहीं करता। यानी खातम होकर अशरफ मौजूदात होकर वो अपनी मर्जी से इन नमाजों में कमी नहीं की। और ये जो नमाजें 4 रकती हैं, इसके ताल्लुक से ये मिला कि 2 रकत मिन जानिब खुदा है, 2 रकत मिन जानिब पैगंबर इस्लाम है। मगर ये कि जब ये 2 रकत वो मिन जानिब खुदा जो रकत है उससे मिल गए तो वाजिब हो गए। खादिम क्या मारूदा कर रहा है और फरमाए, इंशाअल्लाह ताला ये तमीज़न चंद कलेमात आप हज़रात की बारगाह तक अगर पहुँच गए, आने वाले मनाज़िल मेरे लिए बहुत आसान होंगे। दुरूद का तोहफा भेज यहाँ, अगर आप हज़रात की इजाज़त है तो एक और बात, बुजुर्ग वाकिफ़ होंगे बच्चों के और नौजवानों के लिए एक बात पेश करना चाहता है खादिम, क्योंकि मुस्तहब नाफिला फ़र्ज वाजिब सुन्नत ये इतनी इस्तिलाहें क्यों है, मुस्तहब क्यों, वाजिब क्यों, सुन्नत क्यों, नाफिला क्यों और वाजिब क्यों, अगर इजाज़त है तो। क्योंकि आप हजरात के वसीले से ये बच्चे समझ जाएंगे, बुजुर्ग तो वाकिफ है सब अमल करते हैं। तो चुनाचे मुस्तहब के लिए ये कहा गया कि रसूल खुदा का जो पसंदीदा है उसको मुस्तहब कहते हैं। बात वाज़े हो रही है, रसूल खुदा का जो पसंदीदा है उसको मुस्तहब, नाफिला ये बख्शिश को कहते हैं, नाफिला बख्शिश को जो ज़रूरी ना हो, और गैर वाजिब इबादत को नाफिला कहते हैं, गैर वाजिब इबादत को नाफिला। सुन्नत वो अम जिसको आहजरत ने हमेशा किया है इसको सुन्नत कहते हैं। यानी पता चला जो पैगंबर इस्लाम का अमल था उसको खुदा ने सुन्नत करार दे दिया। फरीजा ज़रूरी काम को कहते हैं, फरीजा ज़रूरी काम को कहते हैं, वाजिब लाजिम को कहते हैं, खर्ज को कहते हैं, वाजिब खर्ज को कहते हैं। मुझे इस वक्त मुस्तहब नाफिला
और सुन्नत नहीं, इसमें से दो जो अम्र हैं यानी एक फर्ज और दूसरे वाजिब। लोग फर्ज और वाजिब को नहीं समझे, जिसके सबब ये इश्तेबाहात पैदा हो रहे हैं। फर्ज क्या है? जरूरी काम। वाजिब क्या है? खर्ज। तो वाजिब में खर्ज है। खर्ज उसको कहते हैं जो बाद में अदा करे। बात वाजे हो रही है? जैसे कि आपसे, आपसे नहीं किसी से अगर नमाज छूट जाए जो वाजिब थी, खर्ज है आप पर, बाद में अदा कर देना खर्ज है, मगर जो फर्ज है वो जरूरी है, वो जरूरी काम है, उसको तर्क नहीं किया जा सकता, तर्क नहीं है। जैसे कि वलायत ऐसा फरीजा तो उसके लिए मुखाम की तब्दीली भी नहीं। बात वादे हो रही है तो दुरुस्त फरमाना। ये बकवास है जो कहते हैं या कहता है नमाज ईद गदीर वाजिब नहीं, नमाज ईद गदीर सुन्नत, सुन्नत, नमाज ईद गदीर सुन्नत। क्यों? जब पैगंबर इस्लाम ने, मासूम ने जब इसको सुन्नत करार दे दिया, अब वो वही वाजिब कर सकते हैं जिसके इख्तियारात में सुन्नत व वाजिब है। और खादिम आवाज़ तकरीर में ये मारूजा कर चुका है कि वो अकीदा इख्तियार न करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। और इल्म की भी ताल्लुक से खादिम ये हदीस पेश की कि इल्म का इतलाक बस उसी पर है जो दरे अली से निकले। अब जब दरे अली से निकले तो उस पर इल्म, इल्म तो वह अकीदा वही बनाओ जो दरे अली से निकले, वरना जवाब दो मुझे कि मासूम ने इस नमाज को वाजिब किया। अगर वाजिब किया तो इल्म है, जब इल्म है तो किताब में होना लाजमी है। दैने इस्मत से, दैने इस्मत से जो निकला वो है इल्म, उसको कहते हैं इल्म। और रसूल खुदा के दहन से जो निकला उसको कहते हैं फरीजा। अगर फरीजा अदा न करें तो रिसालत सोख्त। दुरूद का तोहफा पेश करना मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगंबर इस्लाम ने जो हलाल किया उसको हराम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते। ए हुसैन मजलों में करबला ये कह रहे हैं, बताओ क्या मैंने हलाल पैगंबर को हराम किया या हराम पैगंबर को हलाल किया? इमाम इमाम होकर कह रहा है कि मैंने हलाल को हराम नहीं किया, हराम को हलाल नहीं किया। बस इसी तरह पैगंबर इस्लाम ने जिसको हलाल कर दिया वो हराम नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। सैदानी का निकाह गैर सैयद से मासूम ने हलाल किया है, अब इसको कोई हराम नहीं कर सकता। गुरु का तोहफा पेश करना मोहम्मद वाले मोहम्मद। मासूम ने फी जमाना ईदैन को सुन्नत करार दिया है। अब इसको, इसको अगर कोई ये कहकर तर्क कर दे कि फी जमाना साकित, तो गोया वो अजरे पैगंबर इस्लाम अदा नहीं कर रहा। अजरे पैगंबर इस्लाम क्यों? कि अजरे पैगंबर इस्लाम का लाजिमा है जिसकी मवद्दत है उसका कौल हुज्जत, उसका फेल हुज्जत, उसकी तकरीर हुज्जत। दुरूद का तोहफा पेश करना मोहम्मद। मगर ये बातें उसी के समझ में आती हैं जो मोमिन है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि मुनाफिक और फासिक
तीन चीजें नहीं होती, मुनाफिक और फासिक में तीन चीजें नहीं होती। वो क्या है तीन? एक हुस्न समाअत, हुस्न फहम, हुस्न खुल्क। तो पता चला हुस्न समाअत जिसके पास नहीं है तो ये माना जाएगा बनस से मासूम फासिक, जब माना जाएगा मुनाफिक, क्योंकि मुनाफिक और फासिक के पास ये तीन चीजें नहीं है। हुस्न समाअत हुरूफ का राज समाअत में है। मैं आमदा कर रहा हूं, मुझे यहां सिर आजम पर गुफ्तगू करनी है। अगर आप हजरात बेदार रहे तो मैं सिर आजम पर गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि इसमें आजम पर गुफ्तगू हो चुकी, मगर हक तो यह है कि हक अदा नहीं हुआ, अभी हक अदा नहीं। तो खादिम ने चाहा कि आज यहां सिर आजम पर गुफ्तगू करे, मगर ये भी सुनते चले हुस्न समाअत, हुस्न फहम, हुस्न खुल्क, ये तीन चीजें मुनाफिक के पास फासिक के पास नहीं होती, नहीं होती। और याद रखें बौज़े अली एक ऐसी चीज है जो दिल में होती है, जाहिर बड़ी मुश्किल से होती है। बौज़े अली, और बौज़े अली का सबब मनादाए अलियन फौन नहीं नजर, मगर मोमिन में इतना कमाल है वो छुपी हुई बात को बेनकाब कर सकता। ये कमाल है, मोमिनीन का कमाल है, क्योंकि बौज बातिन में है, जाहिर नहीं होता, जाहिर नहीं, मगर मोमिन उस छुपी हुई चीज को जाहिर करता है, जाहिर करता है। कैसे? जिक्र अली छेड़ता, जिक्र अली, जब जिक्र अली छेड़ा तो अब बॉक्स का बातिन में रहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जमीन से जाहिर होता है, क्योंकि जमीन की शिकनें बोलती है, जमीन की शिकनें बोलती हैं, जब आपकी हाथ की लकीरें बोलती है, हाथ की लकीरें देखकर कहा जाता है कि नहीं आपका दिल मजबूत है, इतनी दौलत है, इतने अजवाज हैं, वगैरह वगैरह। अरे भाई ये कैसे? तो बड़ा लकीर में इल्म है। या अल्लाह, लकीर में इल्म है। हाथ देते वक्त कहने वाले से कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई इसमें कहाँ लिखा हुआ है बताओ, लिखा हुआ है तो मानूंगा, है लकीर, कह रहा है सब कबूल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी किस्मत की बातें हैं। पता चला जब आपकी किस्मत की बातें आ जाती हैं तो सब कबूल कर बगैर किसी किताबी हवाले के, बगैर किसी किताबी हवाले के कबूल। क्या है हाथ में इतनी दौलत है? नहीं नहीं और देखिए, और देखिए, अगर दौलत रहेगी आ जाएगी? नहीं नहीं नहीं, आप फजूल खर्च नजर आ रहे हैं, फजूल खर्ची भी है, तो लिहाजा दौलत आती जाएगी मगर सर्फ होती जाएगी, ये सब लिखा हुआ। वो बात तो सही है, बसा औकात ये भी देखा जाता है, कभी हाथ देकर कहा जाता है, बात तो सही है, आप जो बोले सही है, आप बोले मुंह फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि जनी बात तो सही है, हाँ फला वक्त हादसा होगा, अगर बचना है तो सदका दो। कब 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 फला संग में होगा, ये सब कहाँ है? तो पता चला तुम्हारी किस्मत हाथ में आ गई, तुम्हारी किस्मत हाथ में आ चुकी है। तो लकीरों में इल्म है, क्या है? लकीर में इल्म, अगर ना होता तो ये सारे इल्म ना होता। इसी तरह ये जो जमीन पे शिकन आती है इस पर तहरीर है। जब यहाँ के तालुक से आपने पूछे कहा लिखा हुआ, अब मुझसे भी सवाल नहीं करना, मुझसे सवाल नहीं करना कि जमीन पर कहा लिखा हुआ है, हथेली पर कहा लिखा हुआ है,
अभी यहाँ कबूल कर रहे हैं, इतनी दौलत है, इतने अजवाज है, इतनी हयात है, दिल खबी है, दिल नाजुक है, वगैरह वगैरह सब कबूल कर रहे हैं, सब कबूल कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? नहीं, लकीर बोलती है, लकीर बोलती है। इसी तरह जब जिक्र अली छेड़े, जब जिक्र अली छेड़ दिए, जब ये पर शिकने आई, ये शिकने बोलती है। ये कौन सी शिकन है? हैरत की है या हकीकत की है? तो ये जिक्र अली का असर है, जिक्र अली का असर है। खुदा तक कोई नहीं पहुंच सकता इल्ला हलाली, और हलाली हलाली बस वही हो सकता है जिसके दिल में अली हो। दुरूद का तोहफा पेश करना मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात वाजे हो रही है। तो क्या तीन चीजें हैं जहन में रखना? हुस्न समाअत, क्योंकि हुरूफ के लताइफ रूह में है। इसी तरह हुरूफ के रास, हुरूफ के रास समाअत में होते हैं, आयन होते हैं। समाअत में हुरूफ के रास होते हैं। हमें रास चाहिए, हमें रास, क्योंकि खुदा कह रहा है मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे ये बात महबूब हुई कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने एक मखलूक को खल्क किया। तो जो मखलूक है वो जाहिर है, खजाना छुपा हुआ है। तो उस मखलूक के बातिन में जो खजाना है उसकी हमें एहतियात है। तो वो खजाना क्यों? बराए मारिफत रब। दुरूद का तोहफा पेश करें बाबा से भला। जो खजाना मखलूक अव्वल की बातिन में है उसके सबक शहर इल्म है। पैगंबर इस्लाम को शहर इल्म क्यों कहा गया? जो खजाने को खुदा छुपा कर रखा था वो खजाना बातिन मोहम्मद में है। जब बातिन मोहम्मद में खुदा अलीम, खुदा अलीम है, तो इसी तरह मखलूक अव्वल भी अलीम हुई। अलीम होने का सबक बातिन में खजाना है। दुरूद का तोहफा पेश करना मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह अकबर। तो मेरा माला कह रहा है अना हकीकतुल, आगाज कर रहा हूँ तकरीर का, गुफ्तगु का आगाज। देखा सब बेदार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा माला कह रहा है अना हकीकतुल असरार, मुसलसल पढ़ रहा है खादिम। अना हकीकतुल असरार, मैं असरार की हकीकत हूँ। पता चला अली वली हकीकत है। किसकी? असरार की, असरार की। फिर मालूम कर रहा है खादिम हुरूफ के सिर, हुरूफ के रास समाअत में होते हैं। समाअत में होते हैं तो किताबों में तलाश मत करो। क्या कर रहा है खादिम? हुस्न फहम है तो समाअत है, अगर हुस्न फहम नहीं तो समाअत नहीं। और जहां जहां फहम और समाअत आ जाए वहीं पर खुल्क है। अल्लाह, क्या कह रहा है खादिम? गौर फरमाए, दुरूद का तोहफा पेश करे बाबा से भला। अल्लाह अकबर। तो फहम की दुआ कर जिक्र अली सुना, क्योंकि फहम मिन जानिब खुदा अता होता है। तब पता चला ये चीज खुदा रख लिया है, खुदा रख लिया है। कौन? खुदा। अब हजरत ये कहते हैं कि देखो देखो, अगर अली से आप मोहब्बत कर ले, अली से मोहब्बत कर ले तो जहन्नम हराम हो जाएगी। आप करें तो आप कर ही नहीं सकते मोहब्बत, तो कह रहे हैं जहन्नम हराम हो जाएगी। नहीं कर सकते अली से मोहब्बत। चैलेंज है मेरा, अली चाहे तो मोहब्बत हो सकती है।
समझे ली औलत, ये मेरा ये तेरा। हम आप मोहब्बत करना चाह रहे हैं मगर मोहब्बत नहीं हो रही है। हमारा मशूक ऐसा है, हमारा मशूक ऐसा है वो खल्ब देख कर उस खल्ब को अपना मस्कन बनाता है। अगर शायान शान अली है तो अली अवली उस खल्ब को आबाद करता है, वरना वो खल्ब वीरान रहता है। जैसे कि अली अवली के आने से खब काबा वीरान पड़ा हुआ था, वीरान पड़ा हुआ था बैतुल्ला मगर वीरान था। तो पता चला अल्लाह का घर भी आबाद हुआ। अल्लाह का घर भी अगर आबाद हुआ तो अली इब्ने अबी तालिब के सबब। अली ने कदम रखा और आबाद कर निकल गया, आबाद किया। ख़यामत आबाद रहेगा, एक कदम अली का असर है। अली ने कदम रख दिया, आबाद हो गया। और पैगंबर इस्लाम ने कहा अब तुम इधर सर झुकाओ, अब इधर सर झुकाओ। या रसूल अल्लाह, इससे कबल वहां अल्लाह नहीं था, मगर बोला नहीं जा सकता था, मगर बोला नहीं जा सकता। खदम अली आ गए, अब बोला जाएगा। दुरुद का तोहफा पेश करना मोहम्मद। किताबों में नहीं है। हरूफ के राज समाअत में है। किस में है? समाअत में है। अब पढ़ो कलमा। अली करा अना हरूफ ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं हूँ हरूफ ला इलाहा इल्लल्लाह। हरूफ के राज समाअत में है, मगर वही सुन सकता है जिसके पास फहम है। न सिर्फ सुन सकता है बल्कि अमल कर सकता है। जहाँ फहम हो, और खुदावंद आलम फहम को मोमिन से मखसूस किया है। या अल्लाह, जो गैर मोमिन है ना, फहम उसके पास नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उसके कल्ब में अमीरुल मोमिनीन है। जिसके कल्ब में अमीरुल मोमिनीन हो वहां फहम, और फिर जहां फहम होती है वो सवालात नहीं कर पाती। खत्म हो गई बात, बस इतना ही मारूजा करना था। जहां फहम होती है वो सवालात ये कैसे नहीं पूछता, कब से? तो पता चला फहम नहीं है ना फहम। ये तो ऐसे हो गया जहां हुस्ने समात नहीं, हुस्ने फहम नहीं, हुस्ने खुलख नहीं। भैंस के सामने बीन बजाना, भैंस के सामने बीन बजा रहे हैं, अब क्या फायदा? लाख आप हकीकत अलविया पेश करें, नहीं भैंस है। अब उसके सामने आप जिक्र मौला कर रहे हैं, क्या समझ में आएगा? खाक समझ में आएगा, क्योंकि उसने फहम नहीं है। क्या है अली की हकीकत? देखो, पहले मस्कन अली का मस्कन खुदा था, खुदा का बातिन अली का मस्कन। तो पता चलाओ, लफ्ज़ों की कदर करो, पता चलाओ जहां बातिन में अली होता है जाहिर वाले होने वाले को अल्लाह कहा जाता है। था हूं रहूंगा, अल्लाह था हूं रहूंगा, इनकार किसको है? पर ये बता, तो अल्लाह था तो तेरे साथ इमामत थी या नहीं थी? थी, थी।
तो पता चला अल्लाह के साथ इमामत का होना लाजमी, अल्लाह के साथ इमामत का होना लाजमी है, क्योंकि अल्लाह के ताल्लुक से इन्हें मिला तकद्दुम, खुदरत, इल्म, हुक्म, इमामत के लिए मिला, इमामत के लिए मिला, तवज्जो, इमामत के लिए मिला खुदरत, तकद्दुम, इल्म, हुक्म। अब खुदा पर वाजिब हुआ अपनी खुदरत का कलमा पढ़वाना है, इमाम को भेजे, अपने तकद्दुम का कलमा पढ़वाना है, इमाम को भेजे, अगर अपने इल्म का कलमा पढ़वाना है, इमाम को भेजे, अगर अपना हुक्म मनवाना है। समझे, बात हजरत कहते हैं कि नहीं, अल्लाह अगर चाहता तो अपनी मारिफत खुद कैसे, अल्लाह खुद अपनी मारिफत कैसे नहीं करवा सकता। कह दिया आज, अच्छा हुआ जो नहीं सुने, नहीं कैसे, वसीले को छोड़कर भी खुदा अपनी मारिफत नहीं करा सकता। ये है वसीले की अहमियत, और वसीला गैर नहीं होता, वसीला खुदा का बातिन होता है, जाहिर हो जाए तो खुदा का दार हो जाए, बातिन में रहे, बातिन में रहे तो कोई आरिफ खुदा ना हो, कोई आरिफ खुदा ना हो। मगर ये पेशना बात है कि इमाम था, है, रहेगा, जैसे अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा, और अगर इमाम नहीं तो खुदा का तकद्दुम खत्म, अगर इमाम नहीं तो खुदा की खुदरत खत्म, अगर इमाम नहीं खुदा का इल्म खत्म, अगर इमाम नहीं तो खुदा का हुक्म खत्म। मैं क्या करूं, मेरा खुसूर, अगर खुदा कहता कि मैं, मेरे बातिन में नबी है, मैं नबी को जाहिर कर रहा हूं, अब मुझे नबी नहीं बोल रहा, हम वही कहते मवद्दत की बुनियाद पर, इताअत की बुनियाद पर हम वही कहते, मगर खुदा कह रहा है मेरे बातिन में इमामत, ओहो, बातिन में इमामत होती है तो जाहिर में खुदरत होती है, हुस्न फहम जरूरी है, हुस्न फहम के साथ साथ हुस्न समाअत भी जरूरी है, उसने समाअत भी जरूरी है। खादिम क्या मारूजा कर रहा है, बातिन में इमामत हो, जाहिर में खुदरत होती है, जाहिर में खुदरत, बातिन में इमामत हो तो जाहिर में हुक्म होता है, इसीलिए खुदा बंदे आलम मेराज में इमाम को रखा, बराए हुक्म, खुदरा, तहद्दुम, आपसे पहले कोई नहीं, आपसे पहले कोई नहीं, रसूल खुदा जाने के बाद कुछ देखे या नहीं, तो फिर तकद्दुम क्या बात है, कौन थे वहां पर, इरशाद मासूम है, हर खुदा की पैदा की हुई चीज पर इतला के मखलूक नहीं, पैदा कहना पड़ रहा है, खुदा की हर पैदा की हुई चीज पर इतलाक है, चीज भी है तो इतलाक मखलूक नहीं है, इतलाक मखलूक नहीं है, यही बता रहे हैं जिब्राइल, यही बता रहे हैं जिब्राइल। कल शब में कुछ नौजवान बैठे थे, बस ओ मर्दे मोमिन, उसकी ख्वाहिश थी कुछ नालैन का जिक्र, नालैन का जिक्र, नालैन मुसलसल, नालैन नालैन का जिक्र, मुसलसल नालैन का जिक्र किया। आखिर में मैंने एक बात कही, अगर इजाजत है तो पेश करो, इंशाल्लाह महसूस होंगे, क्योंकि यहाँ हुस्न समाअत के साथ हुस्न फहम है, फहम है, और अखलाक तो इतने हैं कि आप बायकाट नहीं करें, मुनाफिकीन का काम है बायकाट करने का, मुनाफिकीन का काम है देवरीन की मस्जिद बनाना, खुद साख्ता मसाइल कायम करना है, सुन्नत को वाजिब कर देना अपनी ख्वाहिशात नफसानी के खातिर,
اپنی خواہشات نفسانی کی خاطر. جبرائیل کون؟ خدا سلامت رکھے. بعد میں اپنے بات سے انکار تو نہیں کریں گے نا، باقی رہیں گے. مولا خوش رکھے جی آپ کو. ان دزل عرشے کہاں رہنے والے؟ کہاں رہنے والے؟ کہاں رہنے والے؟ اللہ اللہ کے جھیلوں میں. یہ وہ جبرائیل ہے جو رسول خدا کی جوتی کی برابری نہیں کر سکتا. دیکھیں تقسیم ہو گئے، آ گئے. ہمارا یہ ذکر چل رہا ہے رسول خدا کی جوتی کی برابر. کیوں کہہ رہا ہوں جوتی کی برابر؟ رسول خدا نہیں جی، مخلوق نہیں، رسول خدا کی جوتیاں جہاں تک گئے وہاں جبرائیل لے گئے. میں کہہ سکتا ہوں خدا کے جھیلوں میں رہنا آسان ہے، رسول کی جوتیوں کے پاس. رسول خدا کی معراج ہوئی تو رسول خدا نے علی کو بھی نیچے چھوڑا؟ مقصدین کا ذہن ملتا ہے. آپ کے سوال آنے سے پہلے جواب لے لے تشفی بخش. کیا کہہ رہا ہوں؟ تشفی بخش، جواب لے لے. آپ چھیڑتے ہیں ہمیں، ہم چھیڑے تو سنو. مقصرین کا یہی طور طریقہ، یہی عمل رہتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جب رسول خدا معراج میں گئے اور آپ ہی کا کہنا ہے کہ رسول خدا کی جوتیوں تلے، جوتیوں تلے ساری کائنات ہے اور سب رسول خدا کی جوتیوں کے نیچے ہے، تو رسول خدا نے علی کو چھوڑ کر گیا تو بتائیے علی کہاں ہے؟ کتنا خوش ہو گئے دیکھیے آپ. ایسے لگا کہ ان کا ناجائز بلڈ بڑھ گیا، ناجائز خون ایک تولا، ڈیڑھ تولا، تین تولے بڑھ گئے. تین تولے بلڈ ان کا بڑھ گیا. یہ کہہ کر اب بولیے پورا جھوم رہے ہیں جیسے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. قرآن کی تلاوت کی طرح جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، اسی طرح اب بولیے تو اب سنیے، تو آپ کریں اب بولیے تو ہم کریں اب سنیے. تحمل ہے تو سنیے، تحمل ہے تو سنیے. اس کو چھوڑ کر گئے پیغمبر اسلام جو پہلے علی کی جوتیوں کے نیچے تھے. تو اب اللہ بولنا،
पर चढ़े, जब दो इस पर थे। जूतियां उतार दीजिए जी। नहीं उतारिए, नहीं उतारो, नहीं 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 नहीं, कुरान की जिल्द को भी फाड़ना बेहरमती है। कुरान की जिल्द को भी फाड़ना और कुरान की जिल्द की तादीम करना अहले शरीयत है। ये सवाल और जवाब नहीं करना, क्या उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई है? नहीं, कुरान को ठापे हुए है। कुरान की हिफाजत कर, कुरान की हिफाजत, कुरान की जिल्द महफूज रखने के लिए। दूसरा जवाब सुनो, क्योंकि मेरी तबीयत सैर नहीं हुई। अब एक सवाल कर बहुत खुश हुए हैं, जवाब बात सुनना, जवाब नहीं। हाँ, तबियत शेयर कर दूंगा, इतने से जवाब दूंगा, इतने जवाब। एक तो जवाब हो चुका, अब दूसरा सुनना, दूसरा सुनना, संभल कर सुनना। दूसरा जवाब संभल कर सुनना, बेदारियां लेकर सुनना। सुनेंगे ना, तामुल करेंगे तो पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। हैं? लाहुमा नादे अली अन मजहरुल अजायब तजिदु अन लका फिन नवायब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बे अलीन बे अलीन बे अलीन बे अली। फूक दिया, फूक दिया, सबको अली के हिसार में ले लिया, सबको अली के हिसार में ले लिया। इंशाल्लाह ताला छलकेंगे नहीं, नहीं छलकेंगे, कबूल करेंगे, कबूल करेंगे। बड़े खुश होकर कह रहे हैं, अली को ये जमीन पर छोड़ कर गए, जमीन पर छोड़ गए। जूतियां ऊपर थी, जूतियां ऊपर थी, जूती ऊपर थी। याद रखो, याद रखो, शेख को उसके मुकाम से हटा देना, शेख को उसके मुकाम से हटा देना। जुल्म है, जुल्म है, जागो यार, बेदार रहो, बेदार रहो। खुदा की कसम, जो फजीलत इस वक्त सीने में है, सीने में है, उसमें तमव्वुज आ गया है। मैं अपने आप को नहीं संभाल सक रहा हूँ, नहीं संभाल सक रहा हूँ, उस वक्त तक नहीं संभाल सकूंगा जब तक के सुनाना धूं। अब सुनाने के बाद देखूंगा कि इस बहर में कितना तमव्वुज आएगा, इस बहर में कितना तमव्वुज आएगा। जब हमसे कह रहे हो कि पैगंबर इस्लाम की नालायन ऊपर है, अली नीचे है, तो सुनो, मेराज में अली की नालायन आगे, नबी की नालायन पीछे। शेखो, शेखो उसके मुकाम से हटा देना, जुल्म है। खुदा सलामत है के अली हुसैन पहुंच गए तो शेख को अपने मुकाम से हटा देना, जुल्म है। पैगंबर इस्लाम जुल्म से बचने की खातिर, जुल्म से बचने की खातिर अपना सर, yeah।
नहीं बोलेंगे। फिर सवाल होगा तो फिर जवाब तैयार है। क्यों? मशूक से जो चीज मुंसलिक हो जाती है उससे इश्क होना फितरत में है। अली तो बहुत बहुत ऊंची चीज है। अली बहुत ऊंची चीज है। अली जब बातिन उलूहियत में था तो उस वक्त जूती नहीं थी, मगर जब जाहिर हुआ जूती जैसे ही पहन ली इश्क की बुनियाद पर वो जूतियों से मोहब्बत। मोहब्बत हो गई, कुरान से मोहब्बत हुई, तुमने कुरान को चूमा। कुरान से मोहब्बत हुई, तुमने कुरान को चूमा। मुझे जूतियों से मोहब्बत हुई। अगर कोई दलील है तो पेश करो, अगर कोई दलील है तो पेश करो। क्या खुदा कह रहा है कि कुरान से मोहब्बत करो? है नहीं है? तुम्हारे पास दलील नहीं है? मेरे पास दलील है, मेरे पास दलील है। मोहब्बत का लाजिमा है, फितरी चीज है। किताबों में नहीं देखना, किताबों में ये बातें नहीं मिलेगी, किताबों में नहीं मिलेगी। खुदा की कसम इश्क की किताब पढ़ो, और जो इश्क की किताब होती है वो बड़ी मुगलक होती है। जो इश्क की किताब होती है वो मुगलक होती है। यही पैगंबर इस्लाम मेराज में पहुंचे, खुदावंद आलम अपने हबीब से पूछा, बोलो तुम्हारी निगाह में आप कौन है? तो पैगंबर इस्लाम ने कहा, अली 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 का। जैसे अली का, फिर पैगंबर इस्लाम अर्ज पर आए, आकर कहने लगा अलीयुन सहीफतुन मुगलकतुन लम यसरा अहद। अली बड़ी पेचीदा किताब है, इसको कोई नहीं पढ़ा, पढ़ा तो मैं पढ़ा, क्योंकि ये इश्क वाली किताब है। इश्क वाली किताब है, इश्क वाली किताब को कोई नहीं पढ़ता। तो मेरे पास दलील है। क्या है दलील? इश्क का लाजिमा है, इश्क का लाजिमा है कि जो भी शय उनसे मुंसलिक हो जाए तो उससे मोहब्बत हो जाती है। सुनेंगे सुनेंगे एक दुरूद में नहीं सुनाऊंगा। फिर बहुत ऊंची बात आई, पता नहीं क्या हो। मैं लाउड स्पीकर तो बंद कर दिया हूँ, इसलिए बंद किया हूँ कि यहाँ अंदर जितने हैं सब अपने हैं। हाँ, तो मैं अपनों में गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसके पास एतराज होगा तो गुफ्तगू बाद में होंगी, पहले हरामी बोलूंगा। कुरान पढ़ने वाले गवाही देना, अल्लाह के महीने में कुरान पढ़ते हैं, कम से कम अल्लाह के महीने में, पाक परवरदिगार के। तो पता चला 12 महीनों में एक महीना अल्लाह का है जिसमें कुरान पढ़ते हैं। 12 महीनों में एक महीना अल्लाह पाक परवरदिगार का है जिसमें कुरान पढ़ते हैं, जिसमें कुरान पढ़ते हैं। 11 महीने ऐसे महीने हैं, 11 महीने ऐसे महीने हैं कि जिसमें हम नाते कुरान पढ़ते हैं। अगर वो एक एक महीने वाला सबक याद है तो मेरे साथ रहना, अगर वो एक महीने वाला सबक भूल गए तो लुत्फ नहीं आएगा। सुनना भाई, सुनना सुनना। अगर ये मैं ये आयत आयत सुना दूं तो खुदा की कसम आप अस खुद पहुंच जाएंगे कि खादिम क्या कहने जा रहा है। खुदा मंदे आलम अपने कलाम में पुरज हिकमत में इरशाद फरमा रहा है, मूसा से मुखातब होकर मूसा से कह रहा है फखला
पता चला खुदा को मूसा की नालन पसंद नहीं है। मूसा की नालन पसंद नहीं है। अब इस नालन से भी किसी पैगंबर को नहीं मिलाना। कैसेट को महफूज कर दो, कैसेट को महफूज कर देना। ये अल्लाह अकबर, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आप हजरत का जोश और जज्बा पड़ा रहा है, जोश और जज्बा पड़ा रहा है। मैं ये तक नहीं देख रहा हूँ कि आवाज मेरी बेटी जा रही है, परवाह नहीं है। जिसका जिक्र कर रहा हूँ आवाज खोलेगा, खोलेगा फखला, क्योंकि पसंद नहीं है। तो पता चला पसंदीदा चीज छोड़ी नहीं जाती, छोड़ी नहीं जाती। बुलाने वाला बंदा नहीं है, बुलाने वाला अल्लाह है। तो पता चला अल्लाह को भी अली की नालन। पसंदीदा चीज को वजूद से दूर नहीं किया जाता। तो मैं कह सकता हूँ खुदा की पसंदीदा चीज। भाई कुरान से दलील दे रहा हूँ, हो गया। कुरान से दलील दे रहा है खादिम, कुरान से दलील दे रहा है कि मूसा से करें उतारो नाले। फिर वहां पर क्यों नहीं उतरवाया? तो पता चला, पता चला वो नालैंड पसंद नहीं है, साहिब किताब है पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। मगर जब पैगंबर इस्लाम चले तो नालैन समझ, जब वहां पहुंचे तो रसूल खुदा असर तपा देके नहीं लुत्फ नहीं आया मुझे, असर तपा जियारत करे। देखें मजलिस का अख्तिताम हुआ, मजलिस का अख्तिताम होने के बाद आप चले, हो सकता है असना रामे को पूछ ले कि भाई कहाँ से आ रहे हैं, तो कहेंगे कि देखें वो ताहिर अमानत खानी की यहाँ मजलिस थी, तो मजलिस में शिरकत किया। तो किसने खिताब किया? वहाँ साहिल बाबुल यकीन ने खिताब किया है, जो अली का दीवाना है। दीवानों के दरमियान एक दीवाना था, मगर इसमें से बाज़ बेगाने नजर आए जो दीवाने हैं। नहीं भाई रहने दीजिए, मैं बंद कर रहा हूँ। फिर भी जाती भाई, हाँ मेरी आवाज है, मेरी आवाज है। अभी जो लाउड स्पीकर बंद किया वो भी चले गई। भाई लाउड स्पीकर बंद कर कर पड़े तो क्या अब उसमें कुछ तारीफ, क्योंकि खानदानी है, खानदानी विरासत में लाए तारीफ। खैर क्या कह रहा था, अच्छी खासी बातें हो रही थी, बहुत तो चल रहा था भाई, गुफ्तगु चल रही थी। मैं कुछ कह रहा था, हाँ साले बाबू लखन खिताब कर रहे थे। अच्छा अच्छा, वो क्या पहन कर आए थे? अब देखे तो बोलेंगे, नहीं देखे क्या कह रहे सर? बोलेंगे देखे। वे क्या था? तो सर पर कपड़ा बांधे थे, ऐनक थी, काली शेरवानी थी, जेब में चार पेन थे, यहाँ पर सीने पर हुसैन का नाम सजा हुआ था, ये लिखा हुआ था कि ये मकान किसका है। और
इत्तेफाक की बात यह है कि न सिर्फ शेरवानी काली थी, मुहैया में अर्जा थे, लिहाजा वो पाजामा भी काला था, साग भी पहने थे, तो पता चला आपकी निगाह सर से लेकर इसको कहते हैं जियारत। हकीकत अस्रार को संभाले हुए है, ये है नालन हैदर की अजमत है, नालन हैदर की नाल मुखसरीन हमसे कह रहे हैं नबी बड़े हैं इमाम छोटे हैं, नबी बड़े हैं इमाम छोटे हैं, दोनों बराबर नहीं हैं। सही है भाई, सही है। आपको यहाँ बात समझ में नहीं आएगी, जरा मेरा चलिए। इमाम की जूती, क्योंकि इमामत कहते हैं तकद्दुम, जब वो अली वली इस्तेमाल कर ले तो वो आगे आ गई, तो वो जूती इमामत में है और दूसरी जूती ही मुख्तदी बनी हुई है। आखिरी जुमला फिर आ जाओ सिर्रे आजम पर, आखिरी आखिरी फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत है इसमें, इतना है इतना है कि हमारी हयात खत्म हो जाएगी, फजाइले नालेन खत्म नहीं होंगे। कम अज कम मेरी जान सदके उस नालेन पर, मेरी जान कुर्बान नालेन बच जाए। इश्क का लाजिमा है, इश्क का तकाजा है, जब इश्क हो जाता है तो अपनी जान कुर्बान हर चीज पर से, कौन सी चीज माशूक से जो चीज दलील दो, दलील दलील दो, ये मालो अजबाब जो करबला में लूटा गया, हम क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? अगर वो मालो अजबाब से हमें मोहब्बत ना होती तो हम ना रोते। दलील दे रहा हूँ, बादलील गुफ्तगु कर रहा हूँ, क्योंकि जो मालो अजबाब थे हमारे माशूक ये थे, माशूक थे उससे मोहब्बत हुई। तो मुख्तार ने बता दिया कि देखो सिर्फ वजूद के खत्ल से इंतकाम नहीं है, वजूद के खत्ल से नहीं, बल्कि वजूद से जो चीज मुंसलिक हो गई, मुतमस्सिक हो गई, अगर उसकी तौहीन कर दे तब भी आशिक इंतकाम लेता है, आशिक इंतकाम लेते, क्योंकि मेरे माशूक की। अरे भाई और दूसरी मिल जाएगी, नहीं चाहिए रे, करा इससे बेहतर कंपनी नहीं, नहीं। अब जो मेरे माशूक के मुस्तामिला चीजें हैं उससे बेहतर कोई फैक्ट्री नहीं है, नहीं है, नहीं है, जानते नहीं रे, दिल 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 कर रहे हैं, गोश्त का लोथड़ा रखने वाले बास के पास तो पत्थर है, और जिसके पास दिल नहीं पत्थर होता है वो कहता है रोना बिदत है, मातम बिदत है, पत्थर जिसके पास है नहीं, पत्थर पत्थर से पत्थर है, क्योंकि पत्थर जब हटाया गया तो खून निकला, ये तो पत्थर से पत्थर है। अबे रसूल खुदा कह रहे हैं हुसैन मिनी वाना मिनल हुसैन, हमसे कहा जा रहा है नहीं नहीं नहीं, वो तौसीफ वगैरह घड़ी भी बातें, घड़ी भी
ये बातें घड़ी हुई है, फैक्ट्स है रे, ये सब फैक्ट्स है, हकायक है। जुल्म को छुपाने के लिए कह रहा है। ये रावजी लोग शिया लोग खड़ते हैं, हम क्यों खड़ेंगे रे? क्या खतूत किसने लिखे? तेरा बाप खत लिख कर बुलाया ना, भूल गया? भूल गया पैगम्बर इस्लाम की तौहीन करने वाले? अब वो हुसैन हुसैन की क्या अजमत करेंगे जो पैगम्बर इस्लाम की तौहीन करते हैं? क्यों क्यों मासूम का खौल हुज्जत होता है। पैगम्बर इस्लाम ने कहा इन्नी तारकुम फीकुम मुस्तकल, उनकी निगाहों में निगाहें डालकर कर रहे हैं जी नहीं एक काफी है लीजिए। अब ये रसूल की तौहीन करने वाले वो क्या समझेंगे कि इस्लाम क्या है? तो भाई जिसके पास इस्लाम नहीं है तो उनके पास करबला कैसे मिलेगी? क्या क्या बात है जी, क्या सुने रवा रवी में सुनने बैठे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, अरे जिसके पास इस्लाम नहीं है तो उसके पास करबला कैसे मिलेगी? तो पता चला जिसके पास इस्लाम है उसके यहाँ करबला है। आखिरी बात वादा किया था ना, आखिरी लव दनो तो अनमोल तन लह, एक उंगल आगे बढ़ जाऊं तो जलकर खाक हो जाऊं। तो मैं कह दिया था जूती की बराबरी नहीं होती, एक उंगल आगे बढ़ जाऊं, एक उंगल आगे बढ़ जाऊं लह तरक तो जलकर खाक हो जाऊं। नहीं मेरी ये मजाल नहीं है कि जहां पैगंबर इस्लाम की जूती जाए वहां मैं जाऊं जल के खाक हो जाऊं। देखें निशान खदम के मिले काश के जूती के मिलते तो हम अपने आशुर खाने अज़ा खानों में सजा कर रखते जैसे कि आज खदम को सजा कर रखे। क्यों रखे हैं खदम को भाई, मोहब्बत की बुनियाद? नहीं 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 खदम है हटा दो, खामोश, बड़े बाज़मत खदम है, बड़े बाज़मत खदम है। क्या खदम है पैगम्बर इस्लाम है, कितने ताकतवर खदम है। ये जुमला कहने जा रहा हूँ कितने ताकतवर खदम है पैगम्बर इस्लाम के, वो खदम पर नबुवत और इमामत है। नबुवत का ख्याम, इमामत का ख्याम, बातिन में उलूहियत। मैं वो जाकिरीन में नहीं हूँ जो 5-10 मिनट मसाइल फजाइल तो खैर क्या बयान करेंगे, फजाइल क्या बयान करेंगे, अगर अली होते तो फजाइल इसीलिए सब मसाइल पर पड़ गए। मैं अपने महबूब के फजाइल को, मैं अपने बात आ रही है जहन में खेलने दीजिए ना, दीवाना कह रहा है सब शाने सुन रहे अगर दीवानों की बात को माफ भी कर सकते हैं, अगर गलत है तो माफ कर दे। इसके सॉन्ग क्यों बदला? अच्छा चलते चलते इसको क्या बीमारी हुई है? बाहर का अंदर क्या हुआ?
बाहर देखे तक अंदर चले आ रहे हैं हम। चलो दुरूद पढ़ो। अपने महबूब के फजाइल को बंदों से तजवीज करना, अपने महबूब के फजाइल को बंदों से तजवीज कर देना या बंदों तक पहुंचाना महबूब की तौहीन है। इश्क है आगे से मिलाओ। अगर आप मेरे अली को बंदा ही समझ रहे हैं मगर इश्क का तकाजा है अपने महबूब के अपने माशूक के फजाइल को बंदे पर न रोके। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने कहा ज़ैनो। कहाँ रुक रहा है जिक्र? तो फिर आपकी निगाह में पहले गाली पैगंबर इस्लाम है। ज़ैनो मजालिसकुम बिज़िक्रे, क्यों करो भाई अली का जिक्र? न जिक्र हो जिक्री व जिक्री जिक्रुल्लाह। कहाँ पे रुक रहा है? अल्लाह अकबर। अपने महबूब के फजाइल को किसी बंदे के बंदे तक पहुंचा कर नहीं रोकना। मेरा दिल तो इस बात से राजी नहीं है और नहीं, मैं नहीं चाहता। इसीलिए इस हमारे खल्ब को पेशे नजर रख कर मासूम ने कहा, खुदा की हर पैदा की हुई चीज पर इतलाक मखलूक नहीं। दिल को खरार आया यानी जब अखरबाए पैगंबर इस्लाम से मैं मवद्दत किया तो पहले इस हदीस को इस आए मवद्दत पर वारिद किया कि जिसकी मवद्दत खुदा ने हम पर फर्ज की है वो चीज होंगे मगर ये मखलूक नहीं है। मखलूक नहीं है, मखलूक इस बुनियाद पर अहलुल्लाह है, इस बुनियाद पर बचुल्लाह है, इस बुनियाद पर नफ्सुल्लाह यदुल्लाह वगैरह वगैरह, क्योंकि खुदा की हर पैदा की हुई चीज पर इतना के मखलूक नहीं है। आगोश में लिए लेकर कहने लगे अब ठाट से बोलो। मखलूक होती मखलूक तो ऐनुल्लाह ने कहता और जो मखलूक है वो 30 बरस खामोश है। खामोश तो कम अज कम जाहिर होने के बाद कहते जैसे अली के जहूर पर कह रहे वजुल्ला चंबुल्ला नफसुल्ला, इसी तरह पैगंबर इस्लाम जाहिर हुए कहते थे ऐनी ऐनुल्ला वजी वजुल्ला ने मखलूक। उजरत मखलूक को देना है। मखलूक को देना है और एक आधा घंटा पढ़ो। इसके बाद की मदीस अलावे सर तो के मुबारक में है। ये एक के नहीं है, मजमा एक का नहीं है। वो बानी है मजलिस के दिल पर क्या गुजरेगी, मगर इतना तो हुनर है हलाली को खेच सकता और इतना हुनर है हरामी को छाड़ सकता। फजाइल जब पढ़ूंगा उसको दिल नहीं चलो भाई अब नहीं रह जा रहा है वो बाइकाट दर्ज है ना, अब नहीं रहा नहीं जा रहा है समझे।
आपका भाईकाट भी फेल हो गया, आपका भाईकाट, भाई काट खामोश। सब मिलकर दो अगर लहमों का लहमी, दमों का दमी, अजमों का अजमी ना होता, जयनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब ज़िक्रहु ज़िक्री ना होता, जिक्र खुदा का जिक्र है, लहमों का लहम के सबब आ गए मोहम्मद, मोहम्मद महदूद मुखाम पर ऐनुल्ला वजुल्ला जम्बुल्ला नफसुल्ला महदूद मुखाम पर था, चार दीवारी में था, चार दीवारी में था तो ऐनुल्ला वजुल्ला जम्बुल्ला आलम हो आ जाए, मेरा आ जाए, खबा हुसैन आ जाए तो अल्लाह कर रहा है, आप दो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत की दुआ कर रहे हैं, दुरुस्त, मगर आपके साथ मलाइका भी शामिल है, है? है? खुदा भी है, है? जब खुदा भी है तो खुदा भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, खुद अल्लाह कर रहा है अल्लाहुम्मा, अगर खुदा कहे अल्लाहुम्मा तो कोई और अल्लाहुम्मा
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا صلاه بعد الذكر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هل تم تعلمون कि दुरूद क्या है, कि दुरूद की अहमियत क्या है, मलाइका भी दुरूद में शामिल है, अंबिया भी शामिल है, मोमिनीन भी शामिल है, अल्लाह भी शामिल है, भाई दुरूद है, जब अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है, आप भी दुरूद पढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो फिर अल्लाह भी कह रहा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो हमारा सवाल है बड़े आलिम से, बड़े खतीब से, अल्लामा से, हमारा ये सवाल है कि जब खुदा कह रहा है अल्लाहुम्मा तो वो किससे कह रहा है अल्लाहुम्मा? अखबारियों से सुनकर तकरीर करना आसान है, मगर कम से कम उतना ही कर लो जितना अखबारी पढ़ा, उसको दोहरा लो तोते की तरह रटकर। तोते तोते हैं ये सब, तोते तोते तोते, मगर इनसे बेहतर तोता है। तोते को जितना सिखाते हैं उतना ही क्या तकलीद में है तोता, तोता तकलीद में है, अपने अशरफ की तकलीद में है। जितना सिखाए बोलो बेटे यारी मदद तो तोता करे, यारी मदद उससे आगे नहीं, मैं तकलीद में हूँ, मेरा मुखल्लत जितना बताया उतना ही। तो तोता अच्छा है तुमसे, और तोता ये नहीं कह रहा है मेरा कहा हुआ मर गया, पता चला ये मुकम्मल तकलीफ में है तोता, इसीलिए कहा गया तुम जानवर से बदतर है। तो कहा गया जानवर से बदतर है, जानवर को जितना सिखाए, कुत्ता 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 कुत्ते को सिंघा दिए, देखो तेरा काम है खातिर को पकड़ना, बस वो जाता है मुकाम वारदात पर, वो बू सुनता है, बू में इल्म होता है। जानवर से समझो यार, बू में इल्म न होता तो फिर वो खातिर को कैसे पकड़ता, और अशरफ तखलीद में है, अशरफ मखलूकात तखलीद में है। अब वो जिधर गए उनके पीछे जाना है। ऐसा इंसान सर पे मामा पहनने के बाद कह रहा है मेरी अकल उज्जत है, जब आपकी अकल उज्जत है तो खातिल को पकड़ो, आपकी अकल अगर उज्जत है तो खातिल को पकड़ो, फिर वो कुत्ते के पीछे पीछे वो जिधर गया वो जिधर गया उधर जाना, जहां रुक गए ओहो कौन किसकी तकलीफ में आ गया, कौन किसकी तकलीफ में अशरफ आया नहीं आया, गलत कर रहा हूँ तो बोल देना, अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो पुलिस डिपार्टमेंट चले समझा दो। डॉग स्कॉट एक अलग ही चीज, स्पेशल लेसन 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 मी बी केयरफुल, डोंट प्ले विद शरीयत, डोंट प्ले विद इस्लाम, डोंट प्ले डोंट प्ले इस्लाम के साथ मत खिलवाड़ करो। थोड़े दिन के बाद जब सीख जाऊंगा अंग्रेजी, अंग्रेजी में करूंगा तो पूरा लेसन भी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, और जब सीख जाऊंगा तो जब बताऊंगा बिच्छू क्या होता है, सांप क्या होता है, गिरगुट का काम सलामत है के वाकिफ है बस गिरगुट से, अच्छा खुदा सलामत है के गिरगुट का काम रंग बदलते रहना, बस अब बताओ जो शरीयत बदले। अगर मैं उनको गिरगुट कह दूं तो क्या बुरा है, क्योंकि गिरगुट का काम होता है
सुहा बुक मुखा में बारे दा तुम कुत्ता कुत्ता डॉग 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 कल्ब हाय हाय वो वाखेतन कल्ब है वाखेतन कल्ब है बाद इंसान अपना नाम कल्ब रख रहे हैं मगर वो सिफत नहीं है जो कल्ब की है नहीं है नहीं है नहीं है सुन लिया सुनकर अब उधर ही जाता है जिधर खातिल सांप भागे थे दौड़े थे उधर 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 चला रुके रुक जाओ रुक जाओ खातिल को कौन पकड़ना है हैरत किस बात की है काबे में अगर अजदहे थे जो हलाली और हरामी को पहचानते हैरत क्या हो रही है यहाँ कुत्ते को आप ट्रेन कर दिए तो वो खातिल को पकड़ना है तो क्या वो अजदा हरामी को नहीं पकड़ सकता अजीब लोग हैं कौन किसकी तकलीद में अशरफ मखलूकात जिसके पास अकल नहीं है अकल वाला पीछे पीछे फिर अकल हुज्जत है तो कम से कम उस कुत्ते से कहना कुत्ते से कहना तो तुम साहिब अकल नहीं है मेरे पास अकल है मैं अशरफ हूँ तुम्हारी अकल हुज्जत नहीं मेरी अकल हुज्जत है तो मैं पकड़ लूंगा नहीं पकड़ सकते पकड़ेंगे नहीं पकड़ सकते कितना आजिज है इंसान ऐसा आजिज इंसान दावा है नहीं आबा कमाल है नायब इमाम बेटे अपनी सूरत देखे आईने में देखो सुनो इमाम क्या होता है बताओ अल्लाह के सामने का आईना है समझने समझाने क्योंकि अल्लाह के सामने आईना है कौन सी किताब में पागल के बच्चे हैं आप शरीकी औलाद मिसाल तफहीम दी जाती है और हकीकत तक पहुंचाने के लिए मिसाल होती है कहां तक पहुंचाने हकीकत तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के सामने आईना है तो अल्लाह जब सामने अपने आईना रखा तो उसमें इमाम को देखा तो कहने लगा आना है अब यही आईना इमाम के सामने आया जब इमाम के सामने आया तो अल्लाह दिखने लगा यहाँ सामने आईना रखे तो कभी कुत्ते कभी कमाल है अजीब है तो तोते का कहा हुआ नहीं मर रहा है मर रहा है नहीं मर रहा है इत्तेफाक की बात यह है कि जब तोता कहने लगा याली मदद याली मदद याली मदद दकुल बाबा कौन है कौन पूछ रहा है तोता पूछ रहा है कौन है क्योंकि मालिक ने सिखा दिया देखो जब तक कुल बाप होना तो पहले पूछना कौन है तो तोता उतनी कहे उतना ही कहेगा कौन है आइए मेरा काम नहीं है तशरीफ लाइए मेरा काम नहीं है मेरा काम इताअत है किसकी काम मालिक की मालिक की इताअत में कौन है तोता है मोहब्बत हो गई जब कुत्ता तोता यारी मदद यारी मदद यारी मदद बाबा सदा हुसैन के पास जो शेर था वो याली कहता था याली याली कहता था सुना थे ये याली कहना आप टेप कर लिए टेप करके महसूस कर लिए तोता गुजर गया गिरिया हो रहा है भाई क्यों दूसरा मार्केट में डालो नहीं कीमती है बड़ी मेहनत थी मेरी बड़ी मेहनत थी अकल नहीं था मगर यादी कर रहा
पास अकल नहीं है, मगर सिखाने पर यारी कर रहा है। इतना सिखा रहे अकलमंदों को, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, इनके लिए बलहू मजलू सबीला, ये तो जानवर से बदतर है, इनकी सब में जानवर ठहरने के लिए पशु पेश करेंगे। अरे हमें कहाँ ठहरा दे रहे हैं, अगर हमारे पास अल्लाह अकल देता और अकल होती तो हम अपनी अकल को हुज्जत ना मानते, हम इनके साथ नहीं रहे, हम इनके साथ नहीं ठहरेंगे। जो दावा नियाबत की है मैंने भाग जाएंगे वो, हमारा मुकाम हम जानते हैं, और अगर कोई ठहरा दे तो जुल्म कर रहे हैं आप। बायकॉट से जोहला का मार्केट आबाद हो गया। कैसा? अगर ये लोग बायकॉट नहीं करते तो मोमिनी उनके फंदे में नहीं फंसते। सौ तरफ जाते, सुनते कौन क्या पढ़ रहा है, क्या है, बोले करे क्या, हम तो पढ़ नहीं सकते, माजूर है पैदाइशी, अखली तौर पर भी नाबालिग है, वजूदी तौर पर भी नाबालिग है, दोनों एतबार से हम नाबालिग हैं, तो करना क्या, बेहतर इलाज ये है बायकॉट करो। जब बायकॉट कर देंगे अस खुद लोग माने जाएंगे, फ्री, अब जो चाहे पढ़ लो, ऐसा होता ही ऐसा होता रहेगा। मैं कहता हूँ, मैं कहता रहूँगा, आप सुनते हैं सुनते रहेंगे, और मैं ये मजलिस मखसूस कर दिया हूँ इसी उन्वान से, और हर साल मैं पढ़ता रहूँगा, तुम हर साल बेवकूफों की तरह सुनते रहेंगे, इसी तरह मैं तारे मीर मोमिन को पहुँचाऊँगा, तुम मुझ पर एक आवाज भी नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। अब जानशीन भी वैसी हो, बताओ नायब खुद मुनीब जैसा होना चाहिए, बहुत अच्छे। देखिए शायर शोरा हजरा जब रहते हैं तो ये फायदा होता है जी। तो चुनाचे खादिम क्या मारूजा कर रहा था, कहाँ था असगर साहब, हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, चलो चलो दुरूद पढ़ दो, चलो और एक 10 मिनट पढ़ेंगे, इसके बाद की मजलिस में सर आजम पर गुफ्तगू करेंगे। दिल तो मेरा चाह रहा था कि शहजादी की बारगाह है, शहजादी ज़ैनब की बारगाह है, तो शहजादी ज़ैनब का जिक्र करूँ, फजाइल शहजादी ज़ैनब के, मगर नहीं, उन्हीं के बाबा का जिक्र है इंशाअल्लाह ताला, और शहजादी को भी नहीं छोड़ूंगा, हाँ उनका भी जिक्र करूंगा, उनका भी जिक्र करूंगा। तकद्दुम खुदरत इल्म हुक्म जिसकी ताज़ीम करे, उसे जाने कि अजमत ज़ैनब क्या हो गया, दुरुस्त का तौबा पेश कर तो खुदा भी आपके साथ शरीक है, तो फिर खुदा के जरा सलात क्या, खुदा की। अब एक फिर बाद में कुछ और, आले मोहम्मद को तौहीद के साथ कमाल में खरीब करना, आले मोहम्मद को तौहीद के साथ कमाल में खरीब करना, ये है खुदा की सलात। मोहम्मद को तौहीद के साथ कमाल में खरीब करना, देखिए क्या लफ्ज रखी है, खरीब करना, शरीक करना है। एक एक लफ्ज पर गौर करना चाहिए, कहेंगे कमाल में तौहीद के साथ कमाल खरीब करना, खरीब करना, खरीब होने के बाद ला कहना कमाल, अगर खुदा लोगों की खबर करना, अगर खुदा वंदे आलम ये दुरूद न पढ़ता
तो फिर ला कैसे होता? उसकी जात पर वाजिब हुआ, उसकी जात पर वाजिब हुआ अपनी वहदत, अपनी अहदियत का कलमा पढ़ाने की खातिर आले मोहम्मद पर दुरूद पड़े। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, अगर तुम मुझे पैगंबर इस्लाम अदा कर रहे हैं, सब भूल जाओ मगर जुमला ना भूलो, मवद्दत का लाजिमा, मवद्दत का लाजिमा है जिससे तुम मोहब्बत कर रहे हैं उसके खौल को हुज्जत मानो, उसके फरीद को हुज्जत मानो, उसकी तकरीर को हुज्जत मानो। अगर तुमको अली से मोहब्बत है तो पूछना क्या ये मेरे माशूख ने कहा वो बताइए, नहीं ये अकीदा नहीं, जुल्म हो रहा है। किसी किताब में, किसी किताब में नहीं है जियारत की नमाज वाजिब से पढ़े, देखें मगर पढ़ सकते हैं आप, वाह किताब में नहीं है, कोई कौले मासूम नहीं है, ये हरम में हो रहा है, ये हरम में हो रहा है। जियारत की नमाज आप वाजिब जो जियारत करके आए वो मुझसे कह चुके हैं और वही गवाही देंगे, गवाही देंगे, जाहिर हैं, जाहिर हैं। ये मौला मैं आपके हक का आरिफ होकर आना हूँ, कहना आसान है, आसान है, हक का आरिफ होना मुश्किल है, और अगर आरिफ हो तो उनके सुन्नत को वाजिब नहीं कर सकते, उनके वाजिब को सुन्नत नहीं, उनके हलाल को हराम नहीं, हराम को हलाल नहीं, अगर आरिफ है तो, आरिफ है तो। अब ये सब बातें छोड़ो, वह हदीस ये तलब करना अगर अली से मोहब्बत है तो, मैं नहीं, ये नहीं नहीं, इसका नतीजा, नतीजा निकाले तो मैं नतीजे में अली को ही अल्लाह साबित करता हूँ, जब अली ही को अल्लाह साबित कर दूंगा, नतीजे से नहीं। ये बोलो कि अल्लाह कौन है, ये बोलो इमाम कौन है, ये समझाओ। तो इसी तरह ये नताएज अक्स कर कर वाजिब करार देना ये किसी और का काम है। खून बोलता है, खून बोलता है, अगर जिस्म में वो खून नहीं होता मुकम्मल फिल्टर हो जाता तो फिर ऐसे बातें ना होती। कहीं कह लें पढ़ लें फर्क होने वाला नहीं है। मेरे पास हदीस है कि सुन्नत सुन्नत सुन्नत, मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, चाहने वालों ने मुझसे पूछा हदीस, बोला ये हदीस नहीं ये किताब अपनी नहीं है, अच्छा पराई है, तो मैं कुरान किसका जमा कराऊंगा? आप ही के इज्जत का है क्या? सब दिन फरोश लोग हैं, दीनदार। अरे भाई मैंने कौशन ने कहा कि ये मरकज जो हमारा बायकॉट करी, मरकज अब सुनिए, जरूरत पड़ी अखबार में इश्तेहार आया, इतना बड़ा इश्तेहार था, इतना बड़ा इश्तेहार था, उन्होंने कहा हम अखबारियों का बायकॉट, अखबारी क्योंकि वो हमारे मुज्तहिदीन उलमा पर लानत पढ़ते हैं, खिलाफ कहते हैं वगैरह वगैरह, इस शर्त पर आपने हमसे बायकॉट किया, तभी बाखिर है ना। अब जो हमारे पास से हटकर उधर चला गया, तो एक जमाना था तो ये कहा जाता था कि भाई अब अखबार में ऐलान करिए कि हम उसूली हैं, ऐलान करिए अखबारी नहीं है ये ऐलान करिए,
तो हम आपके पास आएंगे। तो चुनाचे वो जहाँ का बच्चा था वो उसने इश्तेहार डाला कि हम अखबारी नहीं है, ठीक डाल दिया। अब वहां से वेलकम, क्यों उनके पास मुश्तहदीन को बुरा नहीं कहना, अगर अली को कहते चलता हमको दीवाना कुत्ता का था, तो मुश्तहदीन के खिलाफ होंगे। मुश्तहदीन ने ये कह दिया, आलम दौरानी ये फतवा दे दिया कि अलियन वलीउल्लाह अगर अजान में ले तो अजान बातिल कर जाएगी। वो उस शय से मोहब्बत नहीं जिस शय में हमारा माशूक है। सवाल ही नहीं पता होता है। तो चुनाचे यहां से जो भी गए, अब यहां से जो निकल कर गए तो उनसे इश्तेहार लगाओ, लिखवाओ कि हम अखबारी नहीं है, और ये भी उनसे लिखवाओ पूछो कि किसकी तकलीफ कर रहे हैं। क्योंकि जब तक मेरे साये में थे मुश्तहदीन पे लानत पड़े यहां रहकर, तो फिर वैसों को आप कबूल क्यों किए? क्या कर रहे हैं भाई? वो सदरे उलमा, अरे जो यहाँ से जो उलमा है उसकी अंजुमन है, कमेटी है, ये क्या कर रहे हैं? अरे उसको कबूल कर लिए जो मेरे पास थे, मुश्तहदीन पे लानत पड़ते थे, यानी आप पर खुद। तो पूछो, ऐलान करवाओ, अखबार में इश्तिहार दिलाओ, या ये कि एक मरकजी मजलिस करें, उस मरकजी मजलिस में उनसे पढ़वाएं और बोले कि नहीं मैं अखबारी नहीं हूं और मैं फलाह आयतुल्लाह की तकलीफ करता हूं। बोले क्योंकि अखबारी उसी को कहते हैं जो मुश्तहिद की तकलीफ ना करे। और कहते मैं शिया हूं, ये काम नहीं चलेगा, ये डायलॉग्स बहुत पुराने हैं। ये डायलॉग नहीं भाई, ना हम अखबारी ना सुनी ना हम शिया है, डायलॉग्स नहीं चलेंगे। तो शिया बोलेंगे तो मोहम्मद अल्लाह पेश कर दूंगा, मोहम्मद अल्लाह में कितने शिया हैं? कभी इतने शिया हो गए तो अरे से कहा गया तुम जैदी है, तुम कैसा नहीं है, तुम इस्माइली है, तुम उर्सुली है, तुम अखबारी है, मोहम्मद अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह में बताऊंगा, अब बताओ इसमें कौन से हैं? ऐन अल मफर, भाग नहीं सकते, सिर्फ शिया कह के पूछना पड़ेगा, भाई आप जैदी है? नहीं। इस्माइली है? नहीं। नहीं कैसा नहीं, नहीं। तो इसना शरी, तो हाँ जी जी इसना शरी, भाई इसना शरी में दो है, उसूली अखबारी। अब क्या करेंगे चंदू? सिर्फ शिया चला नहीं, बोलना पड़ेगा, मुकदमा जीतना है तो बोलना है, मुकदमा अगर जीतना है तो बोलना पड़ेगा, उसूली है अखबारी। उसूली कहते ही आयतुल्लाह उज़्मा आ गए, अखबारी कहते ही आयतुल्लाह उज़्मा रिजेक्ट हो गए। ये है मजहब, पूछो सब दुकान चलाने के लिए आ रहे हैं और आप मजमे के लिए बुला रहे हैं। मजमे में जो भी आए चलता, जो आए हर किस्म का नहीं, ऐसा नहीं है, मजहब है ये, इसको तमाशा मत बनो, मजहब खेल टट्टा नहीं है। इत्तेफाक की बात ये है, वो पार्टी ज्वाइन करी है कुछ लोगों को जिनके पास ईद की नमाज पढ़ी जाती है और ये ईद है इनके मुनकिर है, बात तो पता चला आपके पास ये भी चलते हैं। अच्छा, उनके पास नमाज ईद गदीर बाजमात नहीं है, वो पार्टी ज्वाइन हुई है तो कर ये बाजमात है, उनके पास नमाज ईद गदीर, उनके पास जिनके पास ज्वाइन हुए उनकी बात कर रहा हूँ, ज्वाइन हुए उनके पास नमाज ईद गदीर वाजिब नहीं है, और जो ज्वाइन कर लिए तो वेलकम करें,
उनको वेलकम किए जिसके पास वाजिब है। अरे भाई तो आप ही के पास सुन्नत वाजिब हलाल हराम मिल रहा है। मुख्तलिफ किस्म के नमूने हैं, हर माल दिख रहा है। दुरूद पढ़ना, क्या है मजहब, क्या है दीन, क्या है शरीयत, अगर समझना है तो करबला चलो तो समझ में आएगा कि शरीयत दीन इसकी अहमियत क्या है। ये ठंडी छांव में बैठकर अपने ख्वाहिशात नफसानी के खातिर दीन की बुनियादें डाल लेना और है, और दीन समझ लेना और है। अल्लाह अकबर। हक और बातिल में हुसैन ने इम्तियाज कर दिया, ये देखो कि बातिल किधर है, हक किधर है। जो वलायत की तरफ है वो हक, जो वलायत को छोड़कर तो दूसरा इस्लाम कबूल किया वो और है, वो और है। अब हुसैन ने चाहा बताऊं वलायत की अजमत क्या है। मदीने से काफिला चला, मदीने से काफिला चला है तो कई ऊंट पर मालो अजबाप इसी में लैला लैला अपने बेटे अली अकबर के लिए वो लिबास रख रही है जो शादी मैं अली अकबर की शादी करूंगी, ये लिबास तो चुनाचे हुसैन मजलूम करबला ने अपने साथ बीवियों को दिया, जवाना ने बनी हाशिम को दिया और साथ साथ छह माह के छह माह करबला पहुंचने के बाद जब सफर का आगाज हुआ तो अली असगर सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के थे। बताया जा रहा है कि देखो करबला की जंग नमाज की जंग नहीं, क्योंकि मेरे साथ दलील है, दलील बतौर दलील अली असगर है, मैं उसको साथ ले जा रहा हूँ जिस पर वलायत वाजिब है, वलायत को बचाना जिस पर वाजिब है मैं साथ उसको ले जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। तो चुनाचे जब आशूर का दिन नमुदार हुआ हुसैन मजलूम करबला बता रहे हैं कि देखो वलायत की अहमियत क्या है, असहाब के लाशें उठा रहे हैं, हुसैन समझा रहे हैं कि देखो वलायत को बचाया जाएगा, वलायत को बचाया जाएगा, अंसार के लाशें उठा रहे हैं और वलायत को बचा रहे हैं। मंजिल वो आ गई कि अखरबा के लाशें, यानी वलायत को बचाने के लिए हुसैन मजलूम करबला ने खासिम का लाशा पामाल होता हुआ देखा और मोहम्मद को अपने हाथों पर दम तोड़ता हुआ देखा, मगर वलायत को जान बख्शी हुसैन मजलूम करबला ने, और मोहम्मद तुमको मैं तड़पता हुआ देख लूंगा मगर वलायत को तड़पता हुआ नहीं देखूंगा, वलायत को बचाना है, वलायत को बचाना है। असादारा ने मजलूम करबला एक मंजिल वो आ गई, एक मंजिल वो आ गई कि अली अकबर की कुर्बानी देना है। तो हुसैन मजलूम करबला ने कहा लब्बैक वा मुहम्मदा वा खलकन सरा, बखाए वलायत के लिए, बखाए वलायत के लिए हुसैन मजलूम करबला किसको मैदान में भेज रहे हैं, जो खल्क में खुल्क में सूरत में सीरत में अपने नाना के मुशाबे। हुसैन मजलूम करबला कहते हैं कि जब मैं नाना की जियारत करना चाहता तो अली अकबर को देखता, और ज़ैनब कहती है जब मैं नाना की जियारत करना चाहती तो अली अकबर को देखता। मोहम्मदा वा खिल्लत नासरा,
हाजा दारा ने मतलब में करबला जब अली अकबर अपने बाबा की खिदमत में आए बाबा इसने जिहाद कीजिए तो हुसैन ने मतलब में करबला ने कहा जाओ अपनी माँ से इजाजत ले लो पहले अपनी माँ से लैला से और अपनी माँ जैनब से ले लो अल्लाह अकबर जैसे ही अली अकबर अपनी माँ के खेमे में आए इसलिए खेमे से निकले बड़ा अजीब और गरीब मंजर देखा गया सिस्सा कहती है जैसे ही अली अकबर अपने माँ से रुखसत हुए तो लैला कभी किधर जाती कभी उधर जाती सिस्सा ने पूछा बीवी क्या हुआ ए फिज़ा आंखों की बसारत चली गई मोहम्मद आंखों की बसारत चली गई अभी अली अकबर जिंदा है जब रुख्सत पर माँ कह रही है हाँ माँ की मांगता है तो चुनाचे लैला कह रही है मेरी आंखों की बसारत चली गई जिंदा कुछ सुझाई नहीं दे रहा है ज़ैनब के पास आए इजाजत मिली अपने बाबा के पास आए आकर कान में अहिस्ता से कुछ कह दिया हुसैन मतलब में करबला समीप बढ़ गए कशिकारी हो गई ज़ैनब ने कहा हाय मैं अपने भाई को कभी इतना रोता हुआ नहीं इतना क्रिया करता हुआ नहीं हुसैन मजलूम करबला मस्त चौके पूछे ज़ैनब पूछ रही है भैया आखिर क्या कह दिया अली अकबर ने अली अकबर ने क्या कह दिया अब ना तेरा भाई कितना गरीब है तेरा भाई कितना मजलूम हो गया कितना गरीब हो गया हाय बच्चे बाप को वसीयत कर रहे हैं मां मोहब्बत का वाकिल तना सिरा बच्चन जुमले सरहाने बैठी हुई थी और मंजर देख चुकी है जो अली अकबर की कैफियत थी यही सबक है कि ज़ैनब के सामने अगर कोई अली अकबर का नाम ले ले तो ज़ैनब पर कशी तारी हो जाती है अल्लाह अकबर हुसैन मतलब में करबला कह रहे हैं बहन अली अकबर मुझसे कह रहा है माँ का ख्याल वाह मोहम्मद अब हुसैन क्या करते यही सबक था कि शरीकतुल हुसैन के हवाले लैला को किया है बहना लैला का ख्याल रखना क्यों अली अकबर ने कहा क्यों अली अकबर जानते थे जैसे ही मेरे बाबा के गले पर खंजर चलेगा हाय खैमे लूटे जाएंगे अरे मेरे माँ के सर से निगाह हो गई मल्लिस मैं फिक्र कर चुका आप हजरात पुरसा दे चुके अदादारा ने मतलब में करबला हाय अली अकबर रुखसत हुए मगर बड़ा अजीब गरीब मंजर था अल्लाह अकबर जिस वक्त अली अकबर रुखसत हो रहे थे खैमे से खैमों में कोहराम बरपा हुआ जब खैमों में कोहराम बरपा हुआ तो यजीदी लश्कर ये समझा कि हुसैन के खैमे में कोई बच्चा शिद्दते प्यास के सबब दम तोड़ दिया पता चला किसी के गुजर जाने पर जितना गिरिया होता है किसी के मर जाने पर जितना गिरिया होता है अली अकबर की रुखसत के वक्त है अली अकबर के रुखसत के वक्त है अदाकारो अली अकबर खैमे के बाहर आए सही बाप अपने बेटे पर सवार किया और ख्वाहिश कर रहा है बेटा अली अकबर आहिस्ता जाओ मेरे लाल जरा चेहरा दिखाना एक बाप की कितनी तमन्ना
बाप की कितनी ख्वाहिश है कि बार बार मैं अपने बेटे का चेहरा देखो। मैं जिक्र कर चुका, आप हजार जिक्र सुन चुके, आप हजार फुरसा दे चुके। आखिरी जुमला सहमत को तमाम, बाप की तमन्ना, बाप की ख्वाहिश बेटे की सूरत देखे, बेटे की सूरत देखे। हाय, जब हुसैन मजलूम करबला अली अकबर तक पहुंचे हैं, सीने से बच्चे निकाली, अपना चेहरा अली अकबर के चेहरे पर रख कर रो रहे, क्या हुसैन की ख्वाहिश थी ये चेहरा देखता रहो। मगर हाय अफसोस, अश्किया ने अली अकबर